हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिसेंटली जो मैंने शॉपिंग की है अपनी प्रेगनेंसी के लिए। सो ये एक तरीके का मटर्निटी हॉल वीडियो होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सबसे पहले जो मैंने लिए हैं वो लिए हैं नाइट सूट। मैं एक्चुअली इसके ऑनलाइन स्टोर गई थी DLF नोएडा, बट वहाँ पे इसके साइज़ अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने ये वहाँ पर ही पेमेंट कर दी थी और ये डिलीवरी मुझे होम पे हुई है। और ये दोनों ही जीवामी से हैं। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये है मेरा फर्स्ट नाइट सूट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डार्क ग्रीन कलर है इसका। और ये इस तरीके से है कॉलर पैटर्न में, और यहाँ पे आपको बटन दिए हुए हैं मिड में। और ये जो है फुल स्लीव है, बट इसका जो स्टफ है ना बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट है, आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है। इस तरीके का मेरे पास जीवामी का एक और नाइट सूट है ब्लू कलर में, जो मेरा अभी तक चल रहा है और 2-3 साल हो गए इसको, और अभी तक मतलब बहुत अच्छा चल रहा है ये नाइट सूट। सेम इसका ये है बॉटम पजामा है। सो इसमें आपको यहाँ पर पॉकेट भी मिली हुई है। तो ये ओवरऑल बहुत ही प्यारा पीस है। छोटा छोटा सा प्रिंट यहाँ पे दे रखा है, स्नोमैन है, पता नहीं क्या डक सा बना हुआ है। और यहाँ पे आपको पॉकेट दे रखी है कॉलर पैटर्न में। और इसका जो प्राइस है वो है 1895, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट कुछ 1400 या 1300 में मिला। सो नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे नाइट वेयर पे। सो ये कॉटन प्रिंट में है और ये बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल ही समर के पर्पज से ही है। यहाँ पे आपको इस तरीके का डिज़ाइन दे रखा है, और ये जो है एक्चुअली ना मटर्निटी से रिलेटेड ही है कम्प्लीटली। फीडिंग के लिए आपको यहाँ पे चेन भी दे रखी है। बस इसका प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छा है, और पता नहीं मुझे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट अभी तो ये मुझे ठीक आएगा, बाद में मुझे शायद इसको अल्टर कराना पड़े। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आपको इस तरीके से बांधने के लिए दे रखा है। ये है इसका बॉटम वेयर, ये भी कॉटन में ही है कंप्लीट, और इसमें भी आपको पॉकेट दे रखी है साइड में, 2 साइड पॉकेट है। और ये इस तरीके से ओके। सो थर्ड नाइट वेयर एक्चुअली मैंने ड्रेस ली है, इट्स यू नो हाफ लेंथ जिसे बोलेंगे, मतलब मिडी ड्रेस सॉर्ट ऑफ, ये इस तरीके से है। एंड इट्स नॉट फ्रॉम जीवामी, ये मैंने एक ऑफलाइन स्टोर से ली है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से आपको यहाँ पे बटन दे रखे हैं, दिस इज अगेन फॉर फीडिंग पर्पस। यहाँ पे आपको इस तरीके से चेन दे रखी है, इसको ओपन कर सकते हो। सो ये बिल्कुल फीडिंग के लिए जिसे बोलते हैं ना परफेक्ट वो है। एंड कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल डार्क ब्लू है, छोटे छोटे से लीव्स बने हुए हैं कपड़ा इसका। ओके गाइस, सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ कुर्ता सेट जो मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ जगह से लिए हैं। और ये मैंने 3-4 ही लिए हैं, बिकॉज इतना आना जाना होता नहीं है कहीं बाहर, और सिर्फ हॉस्पिटल विजिट ही लग रहे हैं, क्योंकि ऑफिस तो भी मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। सो इस वजह से मैंने 3-4 कुर्ते सेट जो मंगाए हैं, और मैंने इनका साइज़ लिया है XL, बिकॉज वो मुझे थोड़ा सा लूज़ आता है, तो मुझे थोड़ा कम्फर्टेबल फील होता है स्पेशली स्टमक एरिया से।
सो दिस ब्यूटीफुल कुर्ता सेट जो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने एक ऑफलाइन स्टोर से लिया है. इंस्टाग्राम हैंडल है उनका फैबलस स्टोर. इसमें आप देख रहे हो कि गले पे कितना सुंदर काम हो रखा है. यहाँ पे पूरा का पूरा लेस वर्क है एंड साथ में यहाँ पे सितारे से लगे हुए हैं मोतियाँ. तो ये बहुत ही सुंदर कुर्ता है और सबसे प्यारा इसका कलर है. इसका जो कलर है वो है सी ग्रीन सॉर्ट ऑफ एंड यहाँ पे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बने हुए हैं. सो ये पूरा जो सूट है ये ए लाइन सूट है और यहाँ पे इसका नीचे बॉर्डर पे भी काम हो रखा है. ये देखिए इस तरीके से नीचे लेस लगी हुई है. सो दिस कुर्ता इज माई फेवरेट पूरे के पूरे हॉल में से. इसके साथ जो है वो है एक पैंट, इस तरीके से पैंट है और पैंट में भी आपकी यहाँ पे एक लेस दे रखी है, प्लास्टिक वाली पैंट, बहुत ही कंफर्टेबल है. सो इसके साथ ये है दुपट्टा, सेम कलर में है, वाइट एंड सी ग्रीन. यहाँ पे नीचे थोड़ा सा वर्क दे रखा है, प्रिंटेड वर्क है. उसके बाद जो मैंने सेकंड कुर्ता सेम स्टोर से लिया है, फैबलस स्टोर से, ये है देखिए इसका फैबलस. इसका इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे दे दूंगी, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं. सो ये वाइट एंड ब्लू कलर में है, बहुत ही प्यारा कुर्ता है. ये ए लाइन में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन कुर्ता है. यहाँ पे आपको नेक पे देख रहे हैं आपको इस तरीके से ये मोती वाला काम हो रखा है ओवरऑल एंड यहाँ पे भी. और ये इस तरीके से है, यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत लेस सी लगाई हुई है इधर पे. सो इस कपड़ा क्वालिटी अगर बात करें, कॉटन में है दोनों ही सूट बिल्कुल समर के हिसाब से. ये इसका दुपट्टा है, सिंपल वाइट प्लेन दुपट्टा, यहाँ पे बस थोड़ा सा मोती वाला काम है. ये है इसका प्लाजो, प्लाजो में आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा काम है, बाकी पूरा प्लेन है इस तरीके से. ये देखिए फ्लावर बना हुआ है यहाँ पर और ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है. सो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये सब पहन के दिखाती हूँ. सो दिस इज माई थर्ड कुर्ता. सो ये डार्क पिंक में है, यहाँ पे गले में आप देख रहे हो कॉलर नेक में है, थोड़ा सा यहाँ गले पे काम हो रखा है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन दे रखा है. सेम यहाँ पे भी है, बटर स्लीव है इसकी भी अगेन. एंड ये जो है शॉर्ट कुर्ता है, इसमें यहाँ नीचे भी इधर काम हो रखा है. इसके साथ मैंने लिया था एक प्लाजो, शाइनिंग पैटर्न में है ये प्लाजो, अगेन ये इलास्टिक वेयर है और यहाँ पे आपको इस तरीके से यू नो डोरी सी दे रखी है, आप इसको टाई कर सकते हैं. और इसका जो नीचे का जैसे घेरा बोलते हैं, आप देख रहे हो कितना बड़ा घेरा है. सो ये पूरा जो है शाइनी पैटर्न में है. ये दोनों ही मैंने ऑफलाइन FBB स्टोर से लिया है. सो द लास्ट कुर्ता इज फ्रॉम नायो और ये मैंने नायो से मंगाया था. ये एक्सेल साइज है अगेन और ये आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर में है. यहाँ पे आपको नेक में राउंड नेक है और इसमें बीच में आपको देख रहे हो यहाँ लेस वाला वर्क हो रखा है और बटन भी लगे हुए हैं. सो ये भी आयरन नहीं है, इसको आयरन करके मैं आपको पहन के दिखाऊंगी. प्रिंट क्वालिटी अच्छी है इसकी, कॉटन मटेरियल है और ये इसका प्लाजो है. प्लाजो भी इसका इलास्टिक वेयर है तो प्रॉब्लम नहीं आती है. एंड यस ये इस तरीके से है पैटर्न.
सो गाइज, इन सभी प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लोग मंगा सकते हैं। और आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।